हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की संस्कृत वर्कबुक में 11 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। बच्चों, समास आपने कई बार हिंदी की बुक में पढ़ा होगा कि समास के 6 भेद होते हैं और उनको बहुत विस्तार से पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में समास के जो विच्छेद हैं वो संस्कृत में ही करने पड़ते हैं, उनका विग्रह संस्कृत में ही करना पड़ता है और संस्कृत में ही समास बन करके आते हैं। तो चलिए, हम समास चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ MCQ दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन शब्द है वर्षाभिनंदनम, वर्षाभिनंदनम में कौन जो समास है उसका हमें सही विग्रह करना है। तो इसका सही विग्रह होगा वर्षायाः अभिनंदनम। ठीक, ये हमारा तत्पुरुष समास है, तो वर्षाभिनंदनम मतलब साल का अभिनंदन हम करते हैं, तो वर्षायाः अभिनंदनम। नेक्स्ट है पक्षी राजा, पक्षी राजा कहलाता है पक्षियों का राजा, तो पक्षियों का राजा जो होगा ये भी तत्पुरुष समास होगा, पक्षीणाम राजा रा। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपक्षी में भी राष्ट्र का पक्षी होता है तो राष्ट्रस्य पक्षी। ठीक, ये राष्ट्रस्य पक्षी इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का देखेंगे हम विद्याधनम, विद्याधनम में जो विद्या रूपी धन होता है तो विद्यायाः धनम। ठीक, विद्याधनम में क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन, तो विद्यायाः धनम। ठीक, नेक्स्ट है सदाचारः, सदाचारः में सज्जनों का आचरण है तो सताम आचारः इति सदाचारः कहलाएगा। ठीक, और सभागारे, सभागारे का मतलब होता है सभा के लिए आगार, आगार मतलब एक वो हॉल कमरा, तो सभायै आगारय, ये इसका यहाँ पर विग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी में। ठीक, अगला है राजपशु, राजपशु का मतलब है राज्ञः पशु, राजा का पशु राजपशु कहलाता है। पुत्रम चा, पुत्रम चा, पुत्रम चा, पुत्रम चा में यहाँ पर हमारा जो विग्रह है दो बार पुत्र लिखा है तो पुत्र हो जाएगा। ठीक, सहस्रांशु, सहस्रांशु का होगा सहस्राणी अंशानी यश शाह, ये सहस्रांशु बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 10 नंबर का है गौ चा अश्वः चा तयो समाहारः। अब गौ अश्व इन दोनों का जो समाहार है ये बिल्कुल द्विगु समास की तरह ही है। ठीक, ध्यान रखना, तो द्विगु समास में हो जाएगा गवाश्व। ठीक, दो लोगों का समाहार है इसलिए गव और अश्व दोनों को द्विवचन में लिख देंगे गवाश्व। यथा शक्ति अर्थात शक्तिमनतिक्रम। ठीक, निष्कार्यम, निष्कार्यम का हमारा हो जाएगा कि कार्यात अभावा, कार्यात अभावा ये निष्कार्यम है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रहम ग्रहम इति, ग्रहम ग्रहम इति ये दो बार ग्रह लिखा हुआ है, अव्ययी भाव समास में बनाया हुआ है, प्रतिग्रहम। ठीक, रामस्य समीपम यानी राम के समीप, ये हो जाएगा हमारा राम के समीप होगा तो हो जाएगा उप रामम। ठीक, ये भी अव्ययी भाव समास ही है। और प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर कुछ समास के विग्रह हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें विस्तार से यहाँ कुछ समास अंडरलाइन किए गए हैं और कहा गया है कि उनका विग्रह हमें लिखना है। जैसे लिखा है फर्स्ट में शास्त्र निपुण, अर्थात शास्त्र, शास्त्र निपुण कहलाता है शास्त्र में निपुण। ठीक, तो शास्त्र में जो निपुण है ये तत्पुरुष समास में ही हम इसको बना देंगे शास्त्रे निपुण। नेक्स्ट हमारा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि समास के शब्द हैं और इनका हमको समास का विग्रह लिखना है। जैसे पहला शब्द है शास्त्र निपुण, तो हम इसका विग्रह करेंगे शास्त्र में निपुण, शास्त्र में निपुण का मतलब हो गया है शास्त्रे निपुण। ठीक, शास्त्रे निपुण, शास्त्र में निपुण। अनुपस्थिता, अनुपस्थिता का मतलब होता है उपस्थिति पश्चात। ठीक, उपस्थिति पश्चात भी हो जाता है, उपस्थिति अभावा भी हो जाता है। ठीक, ये सा बनाया हुआ है पश्चात। नेक्स्ट है कूप पतितम, कूप पतितम का मतलब होता है
कुएं में गिरा हुआ, कूपे पतितम, कूपे पतितम अर्थात कुएं में गिरा हुआ। कुंभकारा, कुंभकारा कहलाता है जो कुंभ अर्थात घड़े को करने वाला होता है, तो उसके बोलते हैं हम कुंभम करोति यश शाह, कुंभम करोति यश शाह, ये कहलाता है कुंभकारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा देवाधिपति, देवाधिपति कहलाता है देवस्य अधिपति, देवादि अधिपति का विग्रह क्या होगा, देवस्य अधिपति, ठीक, ये धा बना हुआ है अधिपति, ठीक, विसर्ग रख देंगे, देवताओं का अधिपति। नेक्स्ट है ना सत्यम, ना सत्यम का हो जाएगा हमारा असत्यम, असत्यम, ठीक। और वृक्षमूले, वृक्षमूले का हम यहाँ पर बना देंगे वृक्षस मूले, वृक्ष के मूल में है, तो वृक्षस षष्ठी विभक्ति में वृक्षस मूले, ये भी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वृक्षस मूले के बाद है पंचपात्रम, पंचपात्रम का देखिए हमारा थोड़ा सा द्वंद्व समास में बनेगा, वो बनेगा पांच पात्र हैं तो यहाँ पर बनेगा पंचानाम, ठीक, पात्राणाम, क्योंकि हमने द्वंद्व समास पढ़ रखा है वो संख्यावाची होता है, तो पंचानाम पात्राणाम समाहारा, ठीक, वो हो जाएगा पंचपात्रम। ऐसे ही शताब्दी, शताब्दी भी हमारा इसी द्वंद्व समास में बनेगा, सतानाम आपदानाम, सतानाम आपदानाम समाहारा, ये हमारा बन गया है शताब्दी, ठीक, ये दोनों के दोनों हमारे द्वंद्व समास में बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम का सीधा सीधा हो जाएगा श्वेतम वस्त्रम, ठीक, श्वेतम वस्त्रम, ठीक, ये हमारा कर्मधारय समास है श्वेतम वस्त्रम, विशेषण विशेष बताया गया है। महापुरुषा, महापुरुषा का हमारा बन जाएगा महान च असौ पुरुषा, महान च असौ पुरुषा, महापुरुषा, ये भी हमारा कर्मधारय समास ही है। नेक्स्ट है महाबली, ठीक, तो महाबली के लिए हम सीधा सीधा लिख देंगे महत बली, महत बली मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें बल है, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट है काकह च पिकाचह, काकह च पिकाचह के लिए सीधे हम लिख देंगे काक पिकाओ, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे काक पिकाओ हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का हो जाएगा चंद्रम मुखम, ठीक, चंद्रम मुखम, ठीक, विशेषण विशेष एक ही सेम विभक्ति में होते हैं। नेक्स्ट है रामस्य योग्यम, रामस्य योग्यम यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यथा रामम, रामस्य योग्यम का क्या बनेगा यथा रामम, यथा रामस्य योग्यम, तो शक्ति मनति क्रम में, चलो इसको बदल देते हैं, रामस्य योग्यम, रामस्य योग्यम का हम कर देंगे अनुरामम, अनुरामम, ठीक, अनुरामम यहाँ पर बना देंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम का आ जाएगा हमारा उपनगरम, उपनगरम, नगरस्य समीपम हो गया। काल अनतिक्रम, काल अनतिक्रम का हो जाएगा यथा कालम, ठीक, यथा कालम हो जाएगा काल अनतिक्रम। लाभेन सह, लाभेन सह यानी लाभ से सहित है, तो सलाभा, सलाभा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यथाज्ञा, यथाज्ञा का मतलब होता है आज्ञाम अनतिक्रम, आज्ञाम अनतिक्रम, ये हमारा अव्ययी भाव समास में बनेगा। और पाणी चा पादव चा, इसका हम सीधा बना देंगे पाणी पादव, द्वितीय द्विवचन में कर देंगे पाणी पादव। इस प्रकार से ये समास वाला चैप्टर हमारे यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।